जगह हर धड़कन में रहती हो तुम, हर रंग है खास तुम्हारा, हर बात पे जुदा अंदाज। अरे तुमको है सलाम क्योंकि तुम में है, आए हाय गरम गरम चाय आ गई कुछ खास। जियो शहबाज, बहुत अच्छी चाय। Nestle Everyday, तुम में है कुछ खास। अब वक्त हुआ चाहता है कि हम अपना एवरीडे का सेगमेंट जो है वो शुरू करें। आपको पता है एवरीडे के सेगमेंट में हम बात करते हैं दिल की बातें करते हैं हम, और उनसे बात करते हैं जिनकी वो होती हैं धड़कन। उन औरतों को ट्रिब्यूट देते हैं हम जिनकी वजह से है घर में रौनक, जिनकी वजह से है घर में खुशियाँ, जिन्होंने अपने घर में एका रखा है, अपने घर में खुशियाँ बिखेरी हुई हैं। तो माशाल्लाह से वैसे हमारे एवरीडे के जो मेहमान हैं आज एक नहीं है, खावर ही नहीं है, सिर्फ हमारी नायमा जी और राशिद भाई जो है वो भी हैं। आई एम सॉरी, आपकी बेगम जो है वो वही है, वरना आज आप भी हमारे एवरीडे के मेहमान ही होते हैं। सच्ची बता रही हूँ मजाक के अलावा। नहीं, नहीं, हम भी मेहमान ही हैं, बस आप भी मेहमान ही हैं ये मान लें। और ये चाय जो है साथ साथ ज़रा मैं गर्म गर्म सर्व करूँगी आपको, क्योंकि कैंपर जो है वो छुपाए ना आप, है ना, वो ना छुपाऊं। मगर हमारी बेगम आ रही है 8 दिन के बाद, वो एवरीडे के मेहमानों को चाय देनी जरूरी है, समझा के नहीं मेरी बात को। चाय ना दियो दुकान, चाय नहीं चाहिए, ठीक है, अच्छा चाय नहीं चाहिए, बच्चे चाय नहीं पीते, मैं ही तो मना कर रही हूँ, बच्चे चाय नहीं पीते, समझा करो मेरी बात को। खुद आप दो दो कप पी रही हैं। मैं बच्ची तो बड़ी हो गई, मैं तो बड़ी, अब तो बड़ी होगी, खाऊंगी पीऊंगी नहीं तो बड़ी कैसे होंगी। माशाल्लाह। ये बताइए आप इधर से नहीं बड़ी हो रही, आप उधर को, उधर को बड़ी हो रही हूँ। ये वैसे वाकई यही हो रहा है मेरे साथ। जावेद इकबाल साहब ना कार्टून हमारे प्रोग्राम में आए तो सबका इस तरह से कार्टून बनाया ना ऐसे पर्चे पे, जब मेरी बारी आई तो पर्चे को सीधा कर दिया और उसके साथ राहत फतेह अली जी है ना छोटे से उन्होंने बनाए, राहत फतेह अली जी को बिल्कुल छोटा कर दिया और उनको मतलब वो कोई बांसुरी पे म्यूजिक दे रहे हैं कुछ इस तरह से या दूरबीन से मुझे देख रहे हैं और मैं लंबी सी माइक पे गाना गा रही हूँ, तो वो इतने मजे का कार्टून बना के गए मतलब कोई हल नहीं। पर अगर मैं साथ होता तो क्या बनता कार्टून, आप बताइए बांके मियां। यही लग रहा था कि जैसे सूखे दरख्त पे एक खरगोश बैठा है। अच्छा चले ठीक है, अगर ये साथ होते तो फिर क्या बनता जरा बताएं। ये लगता 11 बज गए दोनों एक जैसे ऐसे खड़े हुए पतले पतले, कोई हाल नहीं। बता दे पहला गिफ्ट क्या दिया था, अभी बहुत हो गया, बताएं पहला गिफ्ट, अब इतने साल हो गए शादी को, पहला गिफ्ट याद है? दिया ही नहीं है, गिफ्ट नहीं दिया। आप अपने आप को खुद पेश हो गए, खुद पेश हो गिफ्ट बन गए, शुक्र आपने ये नहीं कहा कि वो मैं कुछ कहना दिया, ये बच्चे दिए, ये गिफ्टी तो है और अपना प्यार दिया, अपना कॉन्फिडेंस तो बात की बात है ना पहले नहीं, ये मेरे लिए तो मेरा ख्याल में वो सारी चीजें हों और आपकी वो अंडरस्टैंडिंग ना हो, और मैं ये कहती हूँ इस फील्ड में भेजने वाला ये बंदा है, मेरे घर वालों ने नहीं मुझे भेजा और मेरे पे कॉन्फिडेंस किया, मेरी एब्सेंस में मेरे बच्चों को देखा, तो वो मैं नहीं इसको मतलब कोई मेरे पास अल्फाज नहीं है थैंक्स करने। माशाल्लाह बड़ी बात है, देखिए आपके लिए कितने बड़े अल्फाज बोले इन्होंने और बहुत बड़ी बात है, आपने मियाँ के सामने बैठ के बन के कितनी बड़े बारे इन्होंने उनकी तारीफ कर रही है माशाल्लाह से, इनकी पीठ पीछे भी करते हैं यही बात। अभी अगर मैं आपको कहूँ पीठ पे जाके खड़े हो जाए पीठ के पीछे तो आप कर लेंगी? अरे मैं हमेशा हर शो में की है क्योंकि मैं जहाँ पे हूँ तो इनकी वजह से। जी हाँ, और किस किस को पहचाने का बता दें आपको? आपको एक बात बताऊँ कुर्बानी की, कि ये हमें इनके भाइयों ने इतराज किया था मेरे उस पर, तो इन्होंने घर छोड़ दिया था कि नहीं मेरी बीवी हाँ, करेगी का। उसका शौक है हाँ। उसकी बहुत बड़ी बात है, सीरियसली इस तरह से टॉपिक यू नो आप मैं बोलना नहीं जा रही कि मियाँ इस तरह के हों तो बीवियाँ काम कर सकती हैं सीरियसली, और आपने अपनी बेगम के लिए स्टैंड लिया ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो उन्होंने भी फिर सबूत दिया ना, फिर अल्लाह का करम है, नाम भी पैदा किया हाँ। और उनकी इज्जत भी हमारे साथ बहुत काम किया उन्होंने, उनको भी फख्र होता होगा हाँ। कि आज इतना बड़ा नाम है मेरी बेगम का हाँ। सीरियसली एक इतराज है, वो कहते हैं पहले ये कहते थे ये राशिद की बीवी है, अब सब लोग कहते हैं नायमा का भी है, कोई बात नहीं कुछ नहीं होता, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको ये सलूट है, आप देखिए इतना अच्छा काम किया हमने, देखो कहां है हेलो, कोई हाल नहीं जी। आपने क्या गिफ्ट दिया है उनको, हद होती है हैं, बहुत से गिफ्ट दिए हैं, क्या दिए हैं पहला गिफ्ट बता दें बस, पहला वाला बता। पहला गिफ्ट तो मैं खुद हूं, फिर आप डब्बे में डब्बा डब्बे में केक, हर बंदा यही कह रहा है पहला गिफ्ट मैं हूं। ये भाई इंसानों के अलावा कोई गिफ्ट दिए हैं आपने जिंदगी में? परफ्यूम दिया था, परफ्यूम दिया था साथ, हां बड़ा साथ दे रही है याद दिला रही है, परफ्यूम दिया था, दो ड्रेसेस दिए थे, अच्छा और सास में मैं मेकअप नहीं करती थी तो मेकअप किट दी थी, सास मेकअप किट दी के मतलब रोज सुबह मेकअप कर लिया करो, और मेरा मियां रोज मुझे कहता है ये क्या तुम मेकअप में आ जाती, चलो मेकअप ये आपने क्या दिया था शादी पे,
मुझे छोड़ो, ये गुल्लू बादशाह ने पता क्या दिया था? पहला गिफ्ट ये दिया था कि अपनी बेगम को हौसला दिया, हौसला कि जो हो गया तो हो गया, आप गुजारा करो। मुझे लगा उन्होंने गुड्डी दी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है बसंत पे शादी हुई थी, तो पहला गिफ्ट गुड्डी दी होगी। नहीं, गुड्डी नहीं दी, गुड्डी जिस तरीके से आप कह रही हैं वो तो मैंने फिर दो गुड्डियां दी ना उसको, वो तो माशाल्लाह माशाल्लाह खैर हो, फिर से गुड्डियां जो है ना उड़ती रहे। हाँ बस चल तो चल है, अल्लाह का करम है माशाल्लाह। वो एक कनाडा में है, इधर है बेटा भी यूएसए में चला गया, माँ भी उसकी उतरी चली गई है। आप उदास क्यों हो रहे हैं? उदास हैं बेगम के बगैर, बहुत उदास हो जाते हैं। लगे ताड़ी जान कितने से तुम्हें पता लगी? लग पता जाए फिर, लग पता जाए। 20 दिन पहले गई हुई थी, 28 तारीख को गई है, 4 दिन पहले आई है, हमें पता है। दिन रात अबू ने रोटी भी बना के दी, रोटी भी बना के दी थी, कोई हाल नहीं है। मैं जरा हिसाब है, इसी रोटी को खा रहे हैं। एक वक्त हुआ जाता है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद हम गियर भी लगाएंगे, क्लच भी लगाएंगे, पूरी गाड़ी तैयार करेंगे, तो जाना कहीं नहीं है, छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस। आए हाय